नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन की जो अपनी नेक्स्ट सीरीज है और इसमें हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। अब हम ना ऐसा करते हैं, साथ साथ में अपनी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन दोनों को ही साथ साथ में पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा एडजेक्टिव होता है और कौन सा प्रोनाउन। प्रोनाउन तो वो होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं और एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखने में एक जैसे होते हैं, चार होते हैं, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, दिस दैट दीज दोज मोस्टली यही होते हैं। होते हैं कुछ और, लेकिन वो ज्यादा हम जो अपना एडजेक्टिव का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो दिस दैट दीज तो चारों हैं, ये आपके प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। इनके यूज से ही हमें पता लगता है कि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है या एडजेक्टिव का। तो समझते हैं, दिस इज माय हाउस। हाउस की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ये क्या है, मेरा घर। तो दिस आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका मेन वर्ब हो गया, माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन में हमारा अधिकार दिखाए। जैसे मेरा घर, घर पे मेरा अधिकार दिखा रहा है, मेरे पापा, मेरी ड्रेस, मेरा दोस्त। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हाउस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये दिस और हाउस का जो रिलेशन है वो बता रहा है ये हाउस। ठीक है, और दूसरी मेन वर्ब आ रही है, कौन सी, बी की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसको समझते हैं, मेन वर्ब से पहले आने वाले हमारे सब्जेक्ट होते हैं, छोड़ के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा भी है, क्योंकि वहां पे मेन हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना वो पहले आ जाती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, दिस इज माई हाउस इज आपका मेन वर्ब से पहले आ रहा है, यानी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन बनते हैं हमारे, नाउन प्रोनाउन। तो डेफिनेट सी बात है ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा है, दिस हाउस इज माइन। दिस आपका सब्जेक्ट हो सकता है क्या, क्या वर्ब आ रही, नहीं आ रही है, वर्ब तो यहां आ रही है मेन वर्ब, तो इससे पहले हाउस आ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट। और माइंड जो है आपका कॉम्प्लीमेंट है। वैसे तो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन की लिस्ट में देख लेना, वहां मिल जाएगा आपको। इसका यूज क्या है वो साथ साथ बता देता हूं मैं। और ये दिस क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। कैसे एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये इशारा कर रहा है इस हाउस की तरफ, क्योंकि यह हाउस, जिस तरीके से मेरा घर इशारा कर रहा था ना, उसी तरीके से यह घर, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब माइन और माई जो है ये दोनों क्या होते हैं, माई और माइन, ये हमने पजेसिव के केस में पढ़ा था कि ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपको नाउन मिलेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में के साथ आप नाउन यूज कर ही नहीं सकते। वो नाउन कहाँ आएगा, वर्ब से पहले, यही फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज रोशनी सिस्टर। दैट सब्जेक्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब आ रहा है, रोशनीज, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, रोशनी सिस्टर। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये देखो, रोशनी के साथ में हमने ये वाला यूज किया है, इसे कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, वो एक ऐसा छोटा सा लेटर होता है जो कि किसी नाउन के साथ में लग के दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाने के काम में आता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उस नाउन को फिर पजेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखते हैं। जिस तरीके से माई हाउस के ऊपर पजेसिव पजेशन बना रहा था, उसी प्रकार रोशनीज सिस्टर, ये वाला शब्द जो है इस सिस्टर पे
पोजिशन बना रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये दैट क्या हो गया, सब्जेक्ट। दैट गर्ल इज रोजनीज सिस्टर, यहाँ पे मेन वर्ब हमारा ये रहा, गर्ल हमारा सब्जेक्ट हो गया और दैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये गर्ल पे, गर्ल की तरफ इशारा कर रहा है कि दैट गर्ल, इस रोजनी की बहन कौन है, वो गर्ल। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरा का पूरा, और वैसे ये इस पे पजेशन बना रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। होते नहीं है पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन एक नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रोफी यूज करके दूसरे नाउन पे पजेशन बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, दीज आर रोटन मैंगोज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दीज है, आर हमारा मेन वर्ब है, रोटन हमारा एडजेक्टिव है और मैंगोज हमारा कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दीज क्या बना, सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि आर के तुरंत पहले आ रहा है और ये प्रोनाउन है। ठीक है, दोज मैंगोज आर रोटन, दोज आपका एडजेक्टिव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये इशारा कर रहा है मैंगोज की तरह, तो मैंगोज आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका मेन वर्ब हो गया और रोटन आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन बनते हैं और एडजेक्टिव भी बनते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। वैसे तो देखिए वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो बहुत बार एडजेक्टिव का काम करती है। ये जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव, किस तरीके से हमने देखा कि दिस दैट दीज दोज, ये चारों ही प्रोनाउन भी बन जाते हैं और एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें।